हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको जय श्री कृष्णा सांवरिया सेठ के दर्शन करवाऊंगा। जैसे कि आप अगर उदयपुर से आते हो तो राइट साइड में आएगा एक बहुत बड़ा गेट। उदयपुर से आओगे तो राइट साइड में, और चित्तौड़ से आओगे तो लेफ्ट साइड में ये गेट है। और यहाँ से सांवरिया सेठ जी का मंदिर 7 किलोमीटर अंदर मंडविया गाँव है, वहाँ पर है। और इधर वो भी एक मंडविया जहाँ पर प्रकटिया, मतलब जहाँ पर सांवरिया जी की मूर्तें प्रकट हुई, वो वहाँ पर है। और यहाँ पर यहाँ से जस्ट 7 किलोमीटर दूर, और ये गेट है मेन गेट, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर अंदर मंडविया गांव के अंदर सांवरिया जी मंदिर है। और मैं वो आपको आगे दिखाता हूँ। अभी हम जस्ट 7 किलोमीटर दूर यहाँ से मंडविया गांव के अंदर कृष्णा टेम्पल, राजस्थान का सुप्रसिद्ध टेम्पल है, सबसे बड़ा मंदिर है सांवरिया सेठ का। कृष्णा जी का ही मंदिर है बट सबसे ज़्यादा फेमस है और इंडिया में नाम चिन्हित मंदिर आता है। ये मंदिर है, मंदिर पे मैं पहुंच चुका हूँ। वैसे वो दिख रहा है यहाँ पे, आज अमावस भी है, हमेशा बहुत भीड़ रहती है अमावस के दिन। ये मार्केट है, और पहले इस मंदिर का गेट इस साइड था लेकिन अब यहाँ से इस साइड हो गया था। जैसे पब्लिक यहाँ से अंदर जाती है, जाने आने की इधर रास्ता हो गया। इस सुबह सुबह का टाइम है, आज अमावस्या के दिन फुल भीड़ रहती है यहाँ मंदिर में। ये मेन गेट है यहाँ पर अंदर जाने का, यहाँ से अंदर लोग जाते हैं, यहाँ प्रवेश द्वार है, यहाँ से पब्लिक अंदर जाती है। ये मेन गेट है सांवरिया सेठ का, पूरा धौलपुरी पत्थर से बना हुआ मंदिर। ये हम मंदिर पहुंच चुके हैं, ये मंदिर का एंट्रिंग द्वार से अंदर है पूरा। ये लोग बाहर साइड निकलने का रास्ता, ये अंदर जाने का है सीधा। राजस्थान का सुप्रसिद्ध मंदिर कृष्णा टेम्पल, मतलब बार से बहुत लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। ये वापस यहाँ से सेकंड द्वार हो जाता है, जैसे इंटरवेलिंग अंदर इंटरिंग करते ही जस्ट सामने पूरा मंदिर का फ्रंट दिखता है, बहुत खूबसूरत है। पूरा टेंपल है यहाँ से, पूरा खूबसूरती यहाँ से दिखती है। ये पूरा मंदिर का अंदर ग्राउंड है, गार्डनिंग टाइप है, मेन टेंपल यह है। ये रथ है, जब जलजूल ने 11 शादी है तो इनको कृष्णा भगवान को चुलाने नहलाने के लिए ले जाते हैं, उस टाइम इस रथ के अंदर ले जाते हैं। इसको भी टक रखा है बारिश से ख़राब नहीं हो जाए, चांदी का बना हुआ है। अंदर जा रहा है मंदिर के अंदर, शायद अंदर वीडियोग्राफी करने नहीं थे आई थिंक। अंदर से बहुत खूबसूरत है मंदिर।
ये मंदिर अंदर से बना हुआ ऐसा इस टाइप से बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है, वैसे अमावस्या का दिन अच्छी सबसे ज़्यादा भीड़ अमावस्या का दिन रहती है। और ये इनके अकाउंट है ये भगवान के। यहाँ पे मंथली 10 से 12 करोड़ की इनकम होती है। यहाँ पर भगवान के दान दाता भी बहुत है, सांवरिया शेठ देने वाले को बहुत देता है, तो वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से दान करता है, तो हमेशा लोगों को खुश रखते हैं। और यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ मेरे को जितना अच्छा सुकून मिलता है, हमेशा हेल्प इतना अच्छा महसूस करता हूँ ज़िंदगी में जो कहीं नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं जन्नत समझता हूँ, मैं मेरी धरती की जन्नत मैं सांवरिया शेठ का मंदिर को ही समझता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये अपने मंदिर का दर्शन हो चुका है, पूरे मंदिर में दर्शन कर लिए, शेठ के दर्शन भी कर लिए। ये मंदिर का मेन पाक ऊपर वाला से बोलते हैं ना, कलश बोलते हैं, सोने का कलश है। और ये मंदिर का कंप्लीटेड अपने दर्शन हुए। और आज का ब्लॉग सांवरिया शेठ के नाम था और सांवरिया शेठ का ब्लॉग था, भगवान का दर्शन हो गए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो अपने भगवान के ही होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को अच्छे से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आज साम्राज्य के दर्शन हुए, आज अपना आज का ब्लॉग हो ही रहा है साम्राज्य के दर्शन। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे श्री कृष्णा के हर वक्त मानने वाले उनके दर्शन हुए उनको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।